नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में पांचवती चौराहा स्थित एक निजी होटल में निःशुल्क ज्योतिष परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 11 अलग अलग विषयों के ज्योतिष विशेषज्ञों ने अलग अलग विधाओं से आने वालों की जिज्ञासा शांत की। इस अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सभी ज्योतिषियों को ज्योतिष गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के अध्यक्ष विमला गट्टानी और सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष पंडित एस के ने बताया कि शिविर में लगभग 30 से अधिक लोगों ने अलग अलग सत्यमेव जयते जन सोसाइटी विधाओं के ज्योतिष विशेषज्ञों से परामर्श करने के साथ अपना भविष्य जाना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास रहे, जबकि आध्यात्मिक चिंतक और प्रश्न कुंडली विशेष साध्वी प्रीति प्रियम वंदा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। सोसाइटी सचिव चंद्र किरण दवे ने बताया कि जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित एस के जोशी, वैदिक ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित घनश्याम द्विवेदी, वास्तु और कर्मकांड विशेषज्ञ डॉक्टर भैरू प्रकाश दाधीच, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोनिका आर करल, वैदिक ज्योतिविद पंडित खीवराज शर्मा, टैरो कार्ड रीडर चेताली हिमांशु जवेरी व ईशानी पटेल, रेकी चिकित्सा विशेषज्ञ नवीन ओमजी रामावत, हस्तरेखा विशेषज्ञ पूजा शर्मा, हस्ताक्षर वास्तु एडवाइजर संदीप भार्गव और वैदिक और न्यूमरोलॉजी ज्योतिष विशेषज्ञ इंदु चारण ने अपनी सेवाएं दी। सभी 11 ज्योतिषियों को उनकी विशिष्ट योग्यताओं के लिए ज्योतिष गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर एडवाइजरी बोर्ड के निदेशक हस्तमील सारस्वत और समाज सेवी अरविंद कछवाहा सहित सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और सीता ज्योतिष व अनुसंधान केंद्र परिवार मौजूद रहा। कार्यक्रम में समाज सेवी कार्यो के लिए पवन बूब और किशोर सिंह पवार को सम्मानित किया गया, जबकि आयोजन को सफल बनाने वाले प्रवीण मेन, नातोष मेहता, संतोष महेश्वरी, दमयंती जांगीण, अजीत सिंह राठौर, अनिल प्रजापत, प्रभांशु जोशी, भूमित्र जोशी और निकिता जोशी को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। मेरा नाम ईशानी पटेल है और अहमदाबाद से मैं बिलोंग करती हूँ। ये ज्योतिष परामर्श जो निःशुल्क रखा हुआ है सत्यमेव जयते और सीता ज्योतिष और वास्तु अनुसंधान केंद्र के द्वारा, तो अच्छा मौका मिला है ये परामर्श के द्वारा सभी की जो भी समस्या है तो समस्या का समाधान करना है। और उस कई कई अलग अलग जो प्रॉब्लम होते हैं लोगों की, तो उसके बारे में समाधान करने का एक मौका मिला है और लोगों को भी एक मौका मिला है कि जो नहीं दिखा सकते वो यहाँ आके और जो भी अपनी दीगा है उसको आराम से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए हमने ये फ्री सम्मेलन रखा है, तो अभी सब लोग आ ही रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम करने ही चाहिए जिससे लोगों को अवेयरनेस हो और सभी जगह पे उसको गाइडेंस मिले कि कौन से टाइम में हमें क्या करना चाहिए। लोग जो भटक जाते हैं तो जब ये टेरो है, रेकी है, ज्योतिष है, अंक शास्त्र है, हस्तरेखा है, ये सब माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। नमस्ते। आज का कार्यक्रम जो हमने सीता ज्योति सत्यमेव जयते सीता ज्योतिष संस्थान के साथ में जो मिलकर किया है, उसका जो है ये हमको पब्लिक को खुश करने का है कि आज पब्लिक में इतनी परेशानियां हो रही है, तो इसलिए हम सोचा कि क्यों नहीं एक ही इस तरह का कैंप लगा करके पब्लिक को थोड़ा आराम दिया जाए, पब्लिक की तकलीफों को थोड़ा दूर किया जाए। तो इस वजह से हमने ये सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और सीता संस्थान ज्योतिष संस्थान के साथ में ये मिलकर के काम किया है। और इसलिए किया कि ये बाहर से सारे जब ज्योतिषी आए हुए हैं, बाहर से कोई बॉम्बे से आया है, कोई अहमदाबाद से आया है, कोई दिल्ली से आया है, इस तरह से हमने बाहर के जो सब जगह से अपने अपने जो मास्टर हैं उनको बुलाया है। और हो सकता है कि आज हमारे जोधपुर की जनता खुश हो जाएगी, उनको देख के उनकी तकलीफें दूर होगी और समाधान भी निकलेगा, कुछ लोगों को परेशानियां थोड़ी हल्की होगी। तो इसलिए मैं आने वालों को भी सबको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देती हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो 12 ज्योतिषी आए हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सीता ज्योतिष को भी बहुत बहुत, जिन्होंने हमारे साथ काम करने के लिए उन्होंने अपना
बनाया मैंने। आपका परिचय मैडम? मैं विमला गटानी सत्यमेव जयते की अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम के बारे में आज सत्यमेव जयते एवं सीता ज्योति वास्तु अनुसंधान केंद्र के साझा नेतृत्व में चंद्रायन होटल माचपति चौराहे पे जोधपुर की जनता के लिए निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे पंजीकरण हुए हैं। और हमारे संस्थान का उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की समस्याएं, क्योंकि हमारे पास अभी भी सुबह से कई समस्याएं लेके आए, जैसे किसी को अपने बिजनेस से रिलेटेड है, बच्चों को अपने कैरियर से रिलेटेड है, मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो है युवा वर्ग का आ रहा है, युवा वर्ग ज्योतिष की तरफ बढ़ रहा है, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के आए, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का हमारे जो जोधपुर और बाहर से जो ज्योतिष लोग आए हैं वो सभी उनकी समस्याओं का समाधान करने के आए, क्योंकि हमारे पास भी जो ज्योतिष लोग आए हैं, हमारे एक दुबई से भी बैठे आने वाले अभी आए नहीं, आ जाएगी उसकी फ्लाइट है, उसके अलावा मुंबई से और अहमदाबाद से, जयपुर से, और हमारे जोधपुर उसके मूर्धन्य जो विद्वान है उनको हमने यहाँ पर जैसे 12 राशि में से हमने 12 ज्योतिषों को यहाँ पर बैठाया है, और 9 जो हमारे ग्रह हैं उसी के अनुसार यहाँ पर 9 कमेटी में लोग हमने रखे हैं, और 27 से तब 0 बढ़ गए हैं, तो उसमें लोग आए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों की समस्याओं, क्योंकि आजकल हम सभी प्रोफेशनल हैं और हमारे लोगों की जो हमारे ज्योतिष आप देखेंगे यहाँ पर एक ज्योतिष बंधु ऐसे जो वास्तु करते हैं उनकी फीस 1,00,000 रुपए है, तो वो लोग 1,00,000 रुपए नहीं दे पाते, इसलिए उनको आज हमने निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। और आज अगर अगर आपका नंबर दिया तो कल भी हम उसको मतलब ऑनलाइन से इसको हम कंसल्टेंसी देंगे। और मैं सबसे पहले सत्यमेव जयते का, विमला जी गटाणी और उसकी पूरी जो टीम है उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप सभी भाई लोगों का, मीडिया वालों का, जिन्होंने इसको उस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा प्रसारित किया है। हम चाहते हैं कि लोगों के हमारी जो ये पुरानी विद्या है और जो सीता ज्योतिष का जो एक संकल्प है कि जैसे आज चंडू जी की जयंती है वैसे वो होती है अपने आषाढ़ मास की कृष्ण पक्षी अमावस्या को जो कल थी, लेकिन हमको शनिवार को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा जैसे इसलिए हमने उसको आज आयोजन किया। हमारा प्रमुख जो है चंडू जी की जो नामकरण है उसको आगे बढ़ाना है, और मैं जोधपुर की जनता का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने, आप देख रहे हैं बाहर कितने लोग पंजीकरण हो चुके, और मैं ये सेवाएं देता रहूँ यही मेरा संकल्प है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित एस के जोशी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रश्न शास्त्री, और मेरे बारे में तो सभी को मालूम है, और इस प्रश्न कुंडली के माध्यम से हमें 9 कंट्री में हमें सम्मान मिल चुका है, और 7,500 से ज्यादा हमारे भविष्य में इस बालाजी कृपा से आज तक सत्य ही साबित हुई है। जैसे अभी हमने देखा कि मोस्टली जो भारत और का मैच जो था फाइनल, उसकी हमने भविष्यवाणी 5:30 बजे की, वो सभी गणनाओं के आधार पर होती है, ऐसी कभी नहीं होती है, और वो भी इसको जबरदस्त सत्य की, और आज आप देख रहे हैं उसका परिणाम।